तो कैसे हैं आप सभी लोग, छोटे बड़े बूढ़े और हमारी दीदी बूढ़ी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ अंकित गोसाई। और आज जो है मैं खड़ा हूँ अभी मसूरी में, ये आपको पीछे दिख रहा होगा। तो अभी आपने थंबनेल और टाइटल देख लिया होगा, मैं जा रहा हूँ सुरकंडा देवी मंदिर। और ये रोड पहले कट जाती है, मसूरी से पहले कटती है ये रोड धनौल्टी के लिए, और धनौल्टी से फिर सुरकंडा देवी मंदिर। तो आज दो चीज़ें स्पेशल है आज के दिन पे। पहला ये कि आज मेरा जन्मदिन है, और दूसरी चीज कि आज जो है सुरकंडा मतलब टिहरी गढ़वाल में, टिहरी जिला जो है, डिस्ट्रिक्ट जो है, उसमें 51 सिद्ध पीठों में से 3 सिद्ध पीठ जो है वो टिहरी में पड़ते हैं। तो मैं 2 में पहले से जा चुका हूँ, एक चंद्रवदनी और एक दूसरा माँ कुंजापुरी देवी के मंदिर। तो ये दोनों में पहले जा चुका हूँ, और एक जो है वो है बच्चा सुरकंडा, जहाँ मैं आज जा रहा हूँ, जहाँ के दर्शन मैं आज करने जा रहा हूँ। तो मसूरी से पहले एक रोड कटती है, और जो कि सुरकंडा देवी मंदिर के लिए कटती है, पहले धनौल्टी उसके बाद सुरकंडा देवी मंदिर। तो आज जो है हमारे साथ यहाँ से 40 किलोमीटर है वो अभी, और यहाँ से अभी जा रहे हैं, हमारे साथ जो जा रहे हैं वो है सुनील भाई। चलो चलते हैं ऊपर। हम तोड़ गए जब तुम झुके, जवर खेत में, और यहाँ पर हम निकल गए थे 5:45 पे। तो यहाँ पर जो है हम पीते हैं चाय, और उसके बाद निकलेंगे यहाँ से 20 या 21 किलोमीटर कुछ है, मतलब 56 मिनट कुछ का है। तो अभी बैठते हैं, चाय पीते हैं, उसके बाद चलते हैं। तब से तुम नजर में आ रुके, हम तो हो गए जमाने रे खालम, आप तो होना है से 2.5 किलोमीटर है अभी चलने के लिए। तो यहाँ पर जो है ट्रॉली की सुविधा भी है, ये मंदिर तक, ऊपर मंदिर तक। देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी जनपद में स्थित जौनपुर के सुरकोट पर्वत पर सुरकंडा देवी का मंदिर है। यह पर्यटन स्थल धनौल्टी से 8 किलोमीटर की दूरी तथा नरेंद्र नगर से लगभग 61 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर देवी दुर्गा को समर्पित है, जो कि 9 देवी के रूप में से एक है। प्राचीन कथाओं के अनुसार सती के शरीर के 51 भाग जहाँ जहाँ गिरे, वहाँ पवित्र शक्ति पीठ की स्थापना हुई, और जिस स्थान पर माता सती का सिर गिरा वह सिरकंडा कहलाया। इस मंदिर में देवी काली की प्रतिमा स्थापित है। केदारखंड व स्कंद पुराण के अनुसार राजा इंद्र ने यहां मां की आराधना कर अपना खोया हुआ साम्राज्य प्राप्त किया था। यह स्थान समुद्र तल से करीब 3000 मीटर की ऊंचाई पर है, इस कारण यहाँ से बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री अर्थात चारों धामों की पहाड़ियां नजर आती हैं, तथा यहां से देहरादून, ऋषिकेश, चक्राता, प्रताप नगर और चंद्रवदनी के सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं। इसी परिसर में भगवान शिव एवं हनुमान जी को समर्पित मंदिर भी है। तो अंदर जो है हमने पूजा वूजा कर ली अंदर, और अब जो है हम बाहर, मतलब काफ़ी घूमने के लिए काफ़ी है, मतलब काफ़ी 3-4 मंदिर हैं यहाँ पर, और अलग अलग देवी देवताओं के रखे हुए हैं। बाकी मेन मंदिर जो है वो ये वाला है, ये वाला मेन मंदिर है। और जो हवा है वो काफ़ी तेज़ चल रही है, और यहाँ पर काफ़ी ठंड है, ठीक है। बाकी ये वहाँ सामने हिमालय की पहाड़ियाँ दिख रही थी, एंड देयर इज नथिंग, ये नीचे जा रहे हैं। बाकी यहाँ पर जो है वो फुल कोहरा हो गया। तोड़ गए जब तुम झुके, तब से तुम नजर में आ रुके, हम तो हो गए जमा, धीरे धीरे थाला माप
हम आ गए दर्शन करके और ये खा रहे हैं हम प्रसाद। तो मंदिर जो है वो काफ़ी अच्छा था और मज़ा ही आ गया। और ये हम शॉर्टकट लेते हुए, देखो ये शॉर्टकट है, रास्ता ये है और हम जाते हुए भी यहीं से आए थे शॉर्टकट से, ये है रास्ता। अरे बिच्छू इस खड़ी चढ़ाई है, जो आपने ढोल देखे वो किसी की नई शादी हुई होगी तो वो लेके आते हैं, मतलब शादी हो जाती है उसके बाद गांव वाले लेके आते हैं, पूरा गांव आता है, रिलेटिव्स आते हैं उनके साथ। बाकी अब जा रहे हैं हम नीचे, तो हम जो है शॉर्टकट से आ रहे हैं, ये वाला जो है शॉर्टकट है, तो अब जा रहे हैं हम नीचे और देखते हैं शायद से या तो चंबा की तरफ से जाएंगे, चंबा नरेंद्र नगर ऋषिकेश फिर बानेवाला, या फिर इधर से ही जाएंगे, देखते हैं क्या करते हैं। तो अभी बज चुके हैं 11:30 और हम पहुंच गए थे यहाँ 9:30-10 बजे तक पहुंच गए थे और उसके बाद बस ऐसे ही इधर उधर, मतलब उधर ही थे, ऊपर नीचे घूम रहे थे। अभी 11:30 हो रहे हैं और हम पहुंचने वाले हैं नीचे। तो अब जा रहे हैं हम वापस घर की तरफ और लेकिन रूट जो है वो चेंज है, हम जा रहे हैं चंबा की तरफ से और ये पीछे था सुरकंडा देवी मंदिर जाने का रास्ता, एंट्रेंस जिसको बोलते हैं, और अब जा रहे हैं हम चंबा की तरफ जो कि यहाँ से है 22 किलोमीटर। तो चलते हैं, बने रहे हैं वीडियो में और आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लग रही होगी, तो बने रहें वीडियो में।